दोस्तों, एजुकेशन पॉलिसी में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका SBI का अकाउंट है, SBI का खाता है, तो किस तरीके से आप अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि अगर आपका SBI का खाता है, SBI का अकाउंट है, तो आपके पास ये पर्चा होना ज़रूरी होता है कि बिना इस फॉर्म के आप अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या गूगल पे या पेटीएम यूज़ करते हैं, तो आपके पास ये चीज़ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी आपका जो पैसा है वो ऑनलाइन दिखेगा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये फॉर्म आपको बैंक में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। और आपको इस फॉर्म को अपने पास कम से कम 5-6 पीस रखना होता है अपने पास फॉर द सेफ़ यूज़, कि आप इसे फ्यूचर में यूज़ कर सकें, ठीक है। इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे टॉप में पूछा जा रहा है शाखा, यानी कि आपका ब्रांच। तो यहाँ पे आपका जो भी ब्रांच है बैंक का, वो आप यहाँ पे अपना ब्रांच का नाम लिखेंगे। जैसे अगर आपका ब्रांच जो है वो है जगदेव पथ, तो आप जगदेव पथ लिखेंगे। अगर आपका ब्रांच अनीसाबाद है तो आप अनीसाबाद लिखेंगे। अगर आपका बैंक का जो शाखा है वो बोरिंग रोड है, तो आप बोरिंग रोड लिखेंगे। जो भी जहाँ पे भी आपका बैंक का शाखा हो, वहाँ पे आपको उसका नाम लिख देना है। यहाँ पे हमने फिलअप कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे आज का डेट मेंटेन करेंगे। आज जो भी तारीख है वहाँ पे हम यहाँ पे डेट लिख देते हैं। जैसे कि सपोज़ आज 7 अक्टूबर है, तो हम यहाँ पे 7 अक्टूबर 2022 लिख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होता है अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर या फिर अपना बैंक का अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे आप अपना बैंक का अकाउंट नंबर लिख देंगे। मैं यहाँ पे सेफ्टी यूज़ के लिए यहाँ पे अपना बैंक का नंबर नहीं लिखूंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होता है। तो जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या फिर टेलीफोन नंबर लिखना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कितनी राशि आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है, आप अपने बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट करने वाले हैं, उसको यहाँ पे आपको नंबर्स में लिखना होता है। तो यहाँ पे अगर आप 5,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं, या 5,500 डिपॉजिट कर रहे हैं, या 6,000 कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। या इससे ज़्यादा भी अमाउंट अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने नंबर्स में और वर्ड्स में दोनों में लिख दिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होता है चेक संख्या, बैंक का नाम और शाखा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना बैंक का शाखा जो हमने यहाँ पे टॉप में लिखा है, और कितना पैसा हम डिपॉजिट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ये लिखना होता है। और यहाँ पे जो है आपका जो भी अधिकारी पैसा डिपॉजिट आपका करेगा, उसका सिग्नेचर यहाँ पे आपको लेना होता है। चलिए, एक पन्ना हमने यहाँ पे फिलअप कर लिया है। अब हम दूसरा पन्ने पे आते हैं। तो दूसरे पन्ने पे आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर लिखना होता है। तो जो भी आपका पैन नंबर है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। मैं यहाँ पे सेफ्टी यूज़ के लिए पैन नंबर यहाँ पे नहीं लिखूंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे कितना 500 का नोट है, उसका यहाँ पे संख्या आपको लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 500 का नोट कितना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, कितना संख्या में है और कितने रुपए हैं। जैसे कि 2,000 का नोट आपके पास 2 है, तो आपको 2 लिखना है। 500 का 1 है, तो 1 लिखेंगे। जितना भी आपके पास है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे 500 का नोट हमारे पास 11 है, तो हम यहाँ पे 11 लिखेंगे। तो ये हमें इस तरीके से फिलअप करना होता है। 500 का नोट 11 है, तो मतलब 5,500 रुपया हुआ हमारा। और उसके बाद कुल कितना हुआ, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, 5,500 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका लाख में है, करोड़ में है रुपया, तो वो भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम तीसरे नंबर पेज पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपको ये फिर से फिलअप करना होता है जो हमने फर्स्ट पेज में फिलअप किया है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। बस इसमें चेंज जो है वो है आपका ईमेल आईडी और रुपये शब्द में, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बाकी सारे डिटेल्स जल्दी से फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे पेज नंबर 3 भी फिलअप कर लिया है। आपको अपना शाखा लिखना होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिखना होता है, फिर आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, अपनी ईमेल आईडी आपको लिखनी होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे कितने रुपए हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि 5,500 रुपीज़ हम यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे 5,500 ओनली लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ब्रांच का नाम लिखना होता है और कितने पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं लिखना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और अगर आपको कोई से भी क्वेरी है, तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।